नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, नौकरी धंधे जो भी आपका व्यापार है वो तेजी से चले। आवक के जो स्रोत हैं वो एक से ज्यादा बने। घर में आवक ज्यादा प्रमाण में आए। बुध आपके मजबूत होंगे तो ये सब कुछ होता है। व्यक्ति के घर में रौनक रहती है, उसकी बुद्धि सही दिशा में आगे बढ़ती है। वो ऐसे कर्म करता है कि उसके घर में आवक ज्यादा से ज्यादा आती है, इनकम बढ़ती है। आवक के स्रोत भी एक से ज्यादा होंगे यदि आपके बुध मजबूत है। बुद्धि आपकी सही समय पर सही निर्णय ले पा रही होगी। घर का जो आपका माहौल है बहुत ही खुशनुमा रहेगा यदि बुध आपके मजबूत है। बुध को मजबूत बनाने का एक बहुत ही अतिशय साधारण उपाय मैं आपको बता रही हूँ। बुधवार के दिन आप इसको करना शुरू करें। हर बुधवार करें, ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 5 बुधवार जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको लिख करके देती हूँ। आपको अचानक धन मिलेगा। धन के ऐसे स्तोत्र बनेंगे जो रोजाना आपके पास पैसा आए। उपाय अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आपके घर का ईशान कोना है, दोस्तों पूरे घर में सबसे ज्यादा शुद्ध, पवित्र, पूजा करने योग्य, ध्यान में बैठने योग्य, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लाइफ में सफलता अर्जित करने का कोई प्लेस है आपके घर में, तो आपके घर का ईशान कोना है उत्तर और पूर्व के बीच का कोना। बराबर, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी माचिस की डिबिया की। 2023 के साल में आपको माचिस की डिबिया कहाँ छुपानी है, मैंने नैऋत्य कोना बताया था। काफी हमारे सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चन किया नैऋत्य कोना कौन सा होता है। दक्षिण पश्चिम के बीच का जो कोना है ये होता है नैऋत्य कोना। तो ऐसे ही उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना होता है ये होता है ईशान कोना। ईशान कोने को हमेशा स्वच्छ रखें। ईशान कोने पर कभी भी कोई वजनदार सामान ना रखें। ईशान कोने में आप अपना पूजा घर बनाएं। ईशान कोने को हमेशा ऐसा रखें कि वहां से हवा आपके घर में प्रवेश करे। और आपको क्या करना है, पान का पत्ता लाना है, राइट। उस पत्ते के ऊपर आपको हरे कलर से ही ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र को लिख देना है और उस पत्ते को आपको आपके घर के ईशान कोने में टांग देना है। बुधवार बुधवार आप इस उपाय को करें। वहां से जो हवा आएगी आपके घर में वो आपके बुध को जबरदस्त मजबूत बनाएगी। 5 बुधवार जब आप इस उपाय को कर लेते हैं तो पत्तों को इकट्ठा करके आप बहते हुए पानी में विसर्जित करें। बुधवार के दिन ही ईशान कोने में हरे पान के पत्ते के ऊपर ही आप थोड़े से चावल रखें और एक सुपारी रखें। उस पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत वगैरह चढ़ा दें और उस सुपारी को आप कुबेर देव मान करके उसकी स्थापना करें और पूरा सवा महीना 5 बुधवार आप पूजा करें। हर बुधवार दिया आप रोज लगाएं, लेकिन पूजा आप बुधवार बुधवार करें। और आप चाहे तो सवा महीने भी कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन तो आपको करना ही है 5 बुधवार। कुबेर जी को तमाम चीजें प्रदान करें, मिठाई प्रदान करें और वहां बैठकर ओम नमो धंदाय नमः इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। 5 बुधवार में दोस्तों आपकी किस्मत ना बदल जाए तो आप कहना, करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।